हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ इंटरेस्ट 2023-24 को लेकर एक नया अपडेट बताने वाला हूं, जो सभी पीएफ मेंबरों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड यहाँ पर अब ईपीएफ होने अपने सभी पीएफ मेंबरों के लिए एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, जो सारे पीएफ मेंबर जिनका ब्याज का पैसा था 2023-24 का, उसको लेकर काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। अब ईपीएफ होने यहां पर सभी पीएफ मेंबरों का इंतज़ार ख़त्म कर दिया है और 2023-24 का जो ब्याज का पैसा है उसको लेकर एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड अब मैं आपको सर्कुलर ओपन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और अपडेट देखने को मिलती रहे। फ्रेंड सबसे पहले हम गूगल पर ईपीएफओ सर्कुलर टाइप करके यहाँ नीचे फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद आपके सामने सर्कुलर वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप पीएफ से कोई भी नया अपडेट होता है तो आप यहां सर्कुलर ओपन करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहां पर आपको 126 नंबर पर एक सर्कुलर दिखाई देगा। यहां पर लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मेंबर्स अकाउंट फॉर द ईयर 2023-24। उसके बाद यहाँ राइट साइड में आपको दो PDF फाइल दिखाई देगी, एक तो हिंदी और दूसरा इंग्लिश। आप जिस भाषा में भी चाहो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इस सर्कुलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम PDF फाइल पर क्लिक करके इस सर्कुलर को डाउनलोड कर लेंगे। फ्रेंड अभी पहले भी मैंने पीएफ इंटरेस्ट को लेकर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें ईपीएफ ने क्लियर नहीं किया था कि कब तक ब्याज का पैसा क्रेडिट हो जाएगा। उन्होंने पिछले साल की तरह बस एक सिंपल सा जवाब दे दिया था कि पीएफ ब्याज का जो पैसा है 2023-24 का, वो अभी अंडर पाइपलाइन में है। लेकिन उसके बाद फाइनली अब ईपीएफ ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। फ्रेंड देखिए सर्कुलर हमारे सामने है, इसको आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में भी रीड कर सकते हैं। फ्रेंड अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये सर्कुलर जो पीएफ का हेड ऑफिस है भिकाजी कामा पैलेस दिल्ली में, वहाँ से जितने भी ऑल ACCHQ ऑल इंचार्ज ऑफ जोनल ऑफिसेस, ऑल RPFC ऑफिसर इंचार्ज और जितने भी रीजनल ऑफिस है, उन सभी को ये सर्कुलर जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मेंबर्स अकाउंट फॉर द ईयर 2023-24 रिकॉर्डिंग, मतलब कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के खातों के लिए वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर की घोषणा के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है महोदय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 61 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के अंतर्गत उपबंधों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% की दर से ब्याज देने के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन की सूचना दी है। फ्रेंड यहाँ पर ईपीएफओ ने पिछले साल हमें 2022-23 में जो ब्याज का पैसा क्रेडिट किया था वो 8.15 की दर से क्रेडिट किया गया था, अब उसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया है। मतलब हमारे पीएफ अकाउंट में जो ब्याज का पैसा आएगा 2023-24 का, वो 8.25% की दर से क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आपसे अनुरोध है कि उक्त ब्याज को सदस्यों के खातों में जमा करने के लिए सभी संबंधितों की आवश्यक निर्देश जारी करें, मतलब जितने भी पीएफ के जोनल ऑफिस है और रीजनल ऑफिस है उन सभी को निर्देश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द सभी पीएफ मेंबरों के खाते में ब्याज का पैसा क्रेडिट किया जाए। तो फ्रेंड हो सकता है कि अब आने वाले अगस्त के मंथ में पीएफ का जो ब्याज का पैसा है 2023-24 का, वो हमारे अकाउंट में दिखने लगे। और फ्रेंड जैसे ही कुछ भी अपडेट निकल कर आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बता दूँगा। तो फ्रेंड ये गुड न्यूज़ आप सभी पीएफ मेंबरों के लिए थी,